हमने ढूंढ लिया है नया रास्ता, एक बहुत सुंदर सी ग्रीन सिटी और डेवलप्ड सिटी में जाने का। आप देख सकते हो कितना मस्त रास्ता है। मजा आ रही मम्मी? कतई बेस्ट में भाई। थोड़ी देर रुक जाओ, आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे इसी रास्ते से, आप भी कहोगे भाई दमन क्या रास्ता निकाला है। उसके बाद मैं बताऊंगा भी आपको रास्ता कहाँ पे जाता है। तो भाई तो हम आ चुके हैं गाँव ना, कोई सो भी ना भाई, आज कोई ब्लॉग गांव का शूट नहीं होगा। आज हम जहाँ जा रहे हैं भाई पागल है यार, कर के हम गांव के ब्लॉगर ने शूट पब्लिक में कह रही गांव गांव में रह गई। आज हम भाई शहर जाएंगे किसी, और शहर के अंदर भी बहुत सुंदर जगह जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि हम वहाँ पे करने के जा रहे हैं। बहुत बड़ा देखा है सानिया नेहवाल, लास्ट मूवी देखी जयपुर में, कभी तो चले जाए पर गर्मी बहुत है मैं बताऊँ। बाकी वहाँ होटल उनको स्वाद से बता, राजस्थान को तो ना फाइव स्टार होटल में स्वाद है। हाँ भाई, ये रास्ता जाता है हमारी बुआ के यहाँ पे, पुराना गुड़गांव, ओल्ड गुड़गांव, अंडर पास है सीधा मेन बाजार में निकल जाए गुड़गांव के। भाई मैंने अपना पासपोर्ट जब बनवाया था तो यहाँ पे बनवाया था, इसके बैक साइड में जस्ट बिल्कुल मतलब घुमा रहे हैं तो सामने देख डीएलएफ साइबर है, पीछे भी है। यू अलग है, यू आर यू है, यू जो मेन जो है सिंगापुर जाते बोले मिनी सिंगापुर यू है पूरा एरिया। ए मम्मी रे मजे ना, वो आगे है पूरा मिनी सिंगापुर जाते गुड़गांव का बोल रहा है तो बिल्कुल अल्टीमेट है भाई। ये बिल्डिंग मैंने पहली बार देखी आज, बनी थी उसके बाद अब आए हैं जब से बनी होगी स्टार्ट हुई होगी यार। इसकी लेंथ देखो, इसकी डीएलएफ की है लेंथ देखो भाई। सबसे मुश्किल टास्क जो हमारे पास आया है कि जिस मॉल में हम जा रहे हैं ना, उस मॉल जाने से पहले हम एक तीन चार बार उस गलती को कर चुके हैं। लेफ्ट हमेशा यार हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और मॉल हमेशा हमारा रह जाता है थोड़ा पीछे की तरफ, तो हमें बहुत 10 किलोमीटर आगे से घूम के आना पड़ता है। तो इसलिए आज हम पक्का बिल्कुल ध्यान करके जा रहे हैं एक एक स्टेप को कि आज निकलना जाए। और रास्ता बिल्कुल पुल का बिल्कुल साइड में रहता है और निकल जाता है हमसे हमेशा, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन से मॉल में आए कहाँ पे आए हैं। साइड में रहा हूँ, हाँ लेफ्ट में रहा हूँ मैं। हाँ तो भाई हम आ चुके हैं अपने फेवरेट शॉपिंग सेंटर। हम तो कितने महीने बाद, 3-4 महीने बाद आए भाई। ऑनिक्स को टाइगर वाले शूज दिखाए थे ना उसके बाद के, 7 फेब को आए थे जब मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी जयपुर से, यहाँ पे सीधे आए थे जब जूते लेने के लिए जब दिखाए थे आपको, और उसके बाद से आज आए हैं और अब मैं करूँगा यहाँ पे शॉपिंग और इसीलिए आए हैं। और ये है भाई वो मॉल हमारा फेवरेट, वही जूते हैं वही जूते, ये बताओ पहले जो फर्स्ट शूज था मेरा वही जूते जो मैंने बर्थडे पे पहनने के लिए प्लान बनाया था यार, वो बर्थडे ही बर्बाद हो गया। वो तो गांव में बनाया था, वहाँ पे पहनने को फायदा था नहीं, तो वो जूते आज भी वहीं पे रखे रह गए। आज भी मैं दूसरे जूते पहन के आया हूँ अपने। और भाई ये आ गया हमारा मॉल आज आज का, हमेशा शॉपिंग के लिए भाई आप तो यहाँ पे आते हैं डीएलएफ। अभी दो ही चूज शॉपिंग सेंटर मैंने कर लिए अपने। मम्मी कुछ करोगी शॉपिंग? गलती तो सोच भी मत लीजो आज बतेरी है क्या, मेरा नंबर है ये पॉल, इसमें इसकी कॉफी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। आगे भाई हम पार्किंग में, इस मॉल की भाई कम से कम 3-4 बेसमेंट है पार्किंग की, और हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से पिलर पे गाड़ी खड़ी है। पार्किंग ढूंढने में दिक्कत हो रही है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। बेसमेंट तो आज हमें पहली मिल गई लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। पर हमारी मम्मी हमसे एक बहुत बढ़िया आइडिया दी, और ये कह रही है स्कॉर्पियो सरका दो और एक और गाड़ी अपनी यहाँ लगा दो ले लो और तुम नहीं हुई कही गाड़ी सरका दो और एक स्कॉर्पियो ले लो चलो जान दो ले लो कहीं तो एक आध जगह खर्चे की कोई बात ना, आ जाओ ना।
And this is our MES mall. Welcome guys, welcome Tina, welcome. यहाँ का सबसे गंदा काम है ये स्कैन करके ऑर्डर करना। अरे ये भूखे लोग शॉपिंग तो करना दे रहे, खाने खाने की लग रही है जब से। चार पराठे घर से रख लाते ना तो एक घंटा ऑर्डर देने में नहीं लगता। एक घंटे से स्कैन कर रहे, उर्दू में भाषा आ रही, समझ ही नहीं आ रही कहानी क्या है। इतने में तो खा पी कर शॉपिंग कर लेते हम। मम्मी तुम रह नहीं करो, हटो हटो हटो, कैसे मोड़ा फाड़ रखा भी तेने, बर्गर खावा को हमारे। बर्गर खावा को तू ऑर्डर कर गया, पहले स्कैन पे जा। भाई हम स्पेशल सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आए इस भुजिया को लेने के लिए। सबसे बेस्ट भुजिया मिलती भाई ये। कितने किलो कट्टा आयु तुम्हारा काम है को? अब चुप रही अब मत बोलिया ज़्यादा। भाई मैंने लिया है अपने पहले फ़ोन का चार्जर, बहुत ताने मिले यार मुझे चार्जर के ऊपर, क्योंकि पापा के एक चार्जर से काम चल रहा था। अब जरा हम करा रहे हैं इसकी बिलिंग फ़ोन पे हो जाएगा। और 20 वॉट का चार्जर लिया है मैंने एप्पल के लिए। फ़ोन पे करना है, देख रहे हैं फ्रीज करके नहीं आ रहा कोई पसंद। डबल डोर ट्रिपल डोर भाई सारे तरीके के हैं स्क्रूमा के अंदर। स्पेस तो बहुत है, जगह घर में भी स्पेस चाहिए। या चार्जर 20 वॉट का 1900 का बड़ा भाई, लगभग कम से कम ये 1900। ओ मम्मी चक्का छूट गई। फोन महंगा चार्जर वाते महंगो। और ध्यान है, हैं भाई यहाँ पे चप्पल देखने के लिए आए थे एक बार, चप्पल वाले को मैंने चप्पल दिखा दी थी। मेरे ऑनिक्सो का टाइगर इंडिया पे चल रही है सेल, और मुझे यार दुख हो रहा कि अगर मैं उसमें घुसा और मुझे पता लगे कि मेरे जूते भी सेल पे है ना, कसम से जूतों को फेंक दूंगा, फेंक कत ही। इनको टीना तो भी ना ऐसे लटकाऊंगा। अब हम आ चुके हैं गरीबों की अमीरी आइटम पे, सारा में फंस गए। पहले सबसे पहले शॉपिंग करेंगे सारा से, उसके बाद पूरे मॉल बना देंगे हम। कुपित होगी मेरी, कुपित छोटी है ना ये साहब। ये फिर भी ठीक आई है उनसे यार, बहुत बुरा हाल हुआ है, वजन बढ़ के बहुत ज़्यादा, घटाना पड़ेगा गुरु घटाना। भाई लास्ट में हमें तो यहाँ से एक ही पसंद आई है, बाकी देखते कहीं और पे। कति शर्म ना आई भाई जा रहा है कति भी। 3000 में तो 10 रुपये उल्टे दिए बस, कम से कम बोलो 10 रुपया। मम्मी बहुत जोर पड़ा 10 रुपये लेने में। मैं कहता था भाई आज मैं टॉफी खा लीजिए आके। अरे खून की शॉपिंग करवाने लाए हैं, कौन कहाँ नजर गिर रहा भाई, थोड़ी सा दया कर दो हम पे आज के दिन तो कम से कम। मम्मी ऐसा बच्चों वाली जगह पे ले आए मुझे, बच्चों वाली उनको पता नहीं है भी और आगे जाना और थोड़ा हाई और हाई जाना थोड़ा सा हजारा से और ऊपर। मम्मी तुम्हारे आ जाएंगी। आ जाएंगे तुम्हारे, तो मैं ऐसे घूर रही हो तुम लाजपत नगर से ले करो। यहाँ लाइक ना हो तुम। गंदी नजर गिर रही खावा खा भाई, पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है लेडीज सेक्शन, पापा भागे जा रहे हैं आगे। इन मकसद मम्मी को लाने का सिर्फ बैग उठवाने अपने। या कहाँ बांधे सिर में बांधने को, पैर में बांधने के लिए गले में। ऐसे गले के भी आने लग गई, वो भैंसन कैसे खूंटा। भाई साहब एक घंटे से हम एडिडास और रीबॉक वगैरह के शोरूम ढूंढने में लगे पड़े हैं, और अब तक हमें कुछ कोई शोरूम नहीं मिला है अब तक। और मुझे लेनी स्लाइड्स, 6 महीने से पागल हुआ पड़ा हूँ स्लाइड्स के लिए, और आज जाके इस मॉल में स्पेशल स्लाइड्स के लिए आऊँगा उसमें, तो उसको ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कहाँ पर मिलेगी। ये भाई वैष्णो देवी पे चढ़ाई करके आया MES मॉल में, मसाज ले रहा है भैया, दूध दही पिए कर खाए कर। कपड़े आए नहीं है, एक टी शर्ट ली है, माता जी है खाने की भी भूख लगाई पीने की भी लगाई है, पानी चाहिए कुछ दवा दोगे आज ना दबाओगे आज को दवा देंगी, इन्हें पानी प्यास लग रही है, लेने कुछ देना रही है भाई, और बस खाने पीने की लगी पड़ी है बस इन्हें तो। आगे फाइनली
एडिडास के अंदर यहाँ के स्लाइड्स मिल रही हैं, चप्पल मिल चुकी हैं, अब साइज नहीं मिल रहा। मम्मी इसको देख कर डर के पूछ रही थी कहाँ पे जा रहा है ये भाग के। भाई स्लाइड्स तो यहाँ पे पसंद आ गई हैं एडिडास पे, मन आज पूरा तृप्त होगा स्लाइड्स के, स्पेशल इसी के लिए आए थे। अब फ्रेश में यार कुछ ये किया है शॉर्ट, एक ये है और एक ये कोई भाई नासा पे जाने वाला पजामा जो पापा ने पसंद करा है, अब इसको पहन के देखते हैं अच्छा लगा तो इसको भी लेंगे। लग रहा बता मुँह तो बढ़िया लग रहा है यार, भाई मम्मी इससे बाजे बजावा का सा लोअर कह रही है यार, बेइज्जती करती लेने से पहले। ना बढ़िया लग रहा मम्मी से ही, नासा पे जाने का मौका मिल रहा हूँ। एक और थैला लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मम्मी भाई मेरे थैले को लटका लटका के तंग हो चुकी है, अगर दला तो रही नहीं हो। हाँ भाई खाली हो तो जा रहे धीरे धीरे करके, वैसा लगता है मौत से निकलना पड़ेगा हमको थोड़ी देर में। भाई मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है मैंने यहाँ से ली थी, वो यहाँ से मेरी ज़िंदगी की सबसे महंगी टी शर्ट भाई मैंने यहीं से ली अब तक। भैया मेरी मम्मी पर न रखो जा रहा कती भी, यहाँ कह रही है इतने महंगा महंगा ले रहा हमें दबा दे कुछ, देख कहाँ घुस गई यार, इन शोरूम में मोह जाने में भी शर्म लगा है। वसी कहीं गई फिर यहाँ मैं इतने शेड देख के समझ में आई तुम्हारी आज तक ना, कतई ना लेनी कतई भी, बहुत गलत है तुम्हें, तुम्हें बैग पकड़ाने के लाए बैग पकड़ो। आ गई ना अपनी पे, मतलब बराबर चलोगी मेरे चक्कर में हो सभी। भाई ये हो गया क्लोज्ड, अब एक बार इसमें ट्राई करके आते हैं अगर मिल जाए तो कुछ, और वरना जा रहे फिर घर की तरफ। देखो ना खुल रहा आ जाओ, 5 मिनट के लिए भी नहीं है, बिल्कुल ही क्लोज्ड। सीन कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत सामान तो ले लिया, लोअर ट्रैक सूट वगैरह स्लाइड्स, बाकी अब दिक्कत ये कि 8 बजे के बाद यहाँ मॉल गया सारा कुछ बंद है। मम्मी सुर तुम्हारी लिपस्टिक हो जाते, एक एक लिपस्टिक की वजह से, मेरी माता की एक लिपस्टिक की वजह से मेरा आधा सामान रह गया यार। एडिडास पे तो सामान ले लिया और एडिडास ओरिजिनल पे नीचे मुझे पता लगे कि एमयू में आज खुल गया है, तो भाई दिक्कत होगी बहुत बड़ी, अब दोबारा चक्कर लगेगा। और मम्मी गारंटी ले रही इस बात की, ले रही गारंटी ना ले रही, ले रही है भैया मम्मी गारंटी, दूसरा चक्कर लगेगा। अब चलते हम सीधा घर की तरफ, हैं भाई गाड़ी ढूंढने में आधा चक्कर, यहाँ 1 घंटा गाड़ी ढूंढने में लग जाएगा हमें। बस कोई को 200, अब पहले ढूंढो भाई पहले कौन सी है, तो मम्मी जो बात है अच्छा नहीं हुआ। मम्मी बोलगी मम्मी बेकार हो तुम लाली, हाँ एक लिपस्टिक, ये ना एक चुटकी सिंदूर की मतलब एक लिपस्टिक क्या क्या खराब कर सकती है बाबू, है वो भी नहीं मिली भाई, अपना काम तो सत्यानाश हुआ, मेरा काम भी सत्यानाश कर दिया इन्होंने। पर कोई नहीं गारंटी लेके जा रहे हैं यहाँ से, मम्मी द्वारा लेके आएगी हम यहाँ पे, ना मिली कोई बात ना भाई, नेक्स्ट ड्राइव पे आएंगे और फिर देखते हैं क्या होगा, पहले तो गाड़ी ढूंढ लें, लिपस्टिक तो बाद में आ जाएगी। स्टारबक्स में घुसा रही थी भाई साहब, एक कॉफ़ी ऐसी आती जैसे मेरे एक पजामे का रेट ना 600-700 में कॉफ़ी आ जाती है, वो तो रेट तो खैर बहुत है, पजामे के तो बहुत ज़्यादा रेट है यार। तो यार बाहर जाके अपना आनंद मॉल वॉल में ना ड्रामे खा मैं स्टारबक्स यार बेकार कॉफ़ी, कुछ मुझे स्वाद फाद नहीं आता उसमें ना है। मम्मी भाई मम्मी का नहीं कह रहे थे भाई से गाना ही कह रहा जैसे कह देख रहे हैं, पवाएंगे मम्मी स्टारबक्स की पवाए अगले चक्कर में जब मेरे दूसरा सामान आ हुआ। भाई गाड़ी मिल चुकी है अपनी, अब चलते हैं जरा घर की तरफ। इतनी भीड़ है, खरीदने वाले कम है और हांडने वाले ज्यादा होंगे मॉल में, मम्मी जैसे हांडने वाले। लिपस्टिक कौन ले रहा एक लिपस्टिक यार मेरा पूरा टाइम खराब कर दिया एक लिपस्टिक ने, सदा दुख रहेगा उसके वजह से।
एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। रमेश बाबू गया, रमेश बाबू गया बाहर में, हमारे तो एक लिपस्टिक ने एक लिपस्टिक ने भाई एक टी शर्ट अरमानी की, एक लोअर, हमारा सत्यानाश हो गया इस वीडियो पर। कोई ना भाई ना, कोई ना, देखी जाएगी। चाहे आई चाहे ना आई, हमारा टाइम तो खराब गया। आज को इतनी दूर तैयार है गुड़गांव, बता कम से कम 60-70 किलोमीटर चल के आना पड़ता है इस मॉल के लिए यार। और नहीं लेने को तो फरीदाबाद से भी ले लेंगे हम, पर ऐसे शोरूम नहीं है ना वहाँ पे बढ़िया बढ़िया। चलो वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हुए भाई हम, ये बंसीवारे की जय। और ये भाई बेसमेंट से अब निकला है हम बाहर की तरफ, और ये देखो नज़ारे नज़ारे, ये देखो भाई यहाँ की पार्किंग अंदर की तरफ निकल जाती है और यहाँ से हम निकल के बाहर। बाय बाय एम्बियंस मॉल, मिलते हैं कब मम्मी? मिलते हैं एक हफ्ते बाद, बाय। सब अब लगा दिया हमने मैप, अब हो रहे हम कंफ्यूज क्योंकि हम आ गए थे अंदर डीएलएफ की तरफ से, और यार इसके बाद रास्ता पता लगती है। फरीदाबाद वाला रास्ता जो सिकंदरपुर से भी निकलता है वो बेकार है भाई, लंबा पड़ जाता है, तो हमने सोना वाला डाल दिया इस पे से, और इस ब्लू लाइन को फॉलो करेंगे सीधा सीधा।